सिगरेट माफियाओं का विरोध आज पन्ना के स्थानीय ताज खजुराहो होटल में युवा कांग्रेस कमेटी जिला पन्ना मध्य प्रदेश के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पन्ना जिले में लगातार हो रही रेत माफियाओं की मनमानी, रेत की लूट और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। युवक कांग्रेस कमेटी का कहना है कि मध्य प्रदेश और देश के कम जिले ऐसे हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य संसाधनों, विभिन्न प्रकार के प्रचुर मात्रा में खनिज नदियों से भरपूर हों। पन्ना वीरों का जिला है, हीरों का जिला है, परंतु इसके कारण पन्ना पर माफियाओं की कुदृष्टि पड़ गई है। आज पन्ना जिले का जनजीवन, प्राकृतिक संसाधन, नदियां अपने अस्तित्व के लिए करुण पुकार कर रही हैं। खासकर पन्ना जिले में राजनीति का वचन मौका फरस्त लाभ का धंधा बन गई है। जिसको भी मौका मिला आज वह पन्ना जिले में अस्तित्व, पन्ना जिले के विकास और पन्ना जिले के लोगों के संरक्षण संवर्धन की बजाय उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ही लगा है। वहीं युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का कहना है, अगर जल्द ही प्रशासन द्वारा रेत माफियाओं पर अंकुश नहीं लगाया जाता है और कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो पन्ना जिले के नागरिक और युवक कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है युवक कांग्रेस कमेटी का। पन्ना जिले की प्रमुख नदियां हैं, बुक्केन हो, पत्नी हो, ब्यारमा हो, रुंज हो, इन सभी नदियों से जो हमारी माइनिंग होती है, जो बालू की माइनिंग होती है, उसको लगातार पन्ना जिले के जो रेत के ठेकेदार हैं रश्मित मल्होत्रा द्वारा, पन्ना जिले की किसी भी नदी को नहीं छोड़ा गया है। पन्ना जिले से जितनी कोशिश भर हो रहा है हर तरीके से रेत निकालकर, और अब चूंकि बारिश लगने वाली है इसलिए यह रेत उठाकर पन्ना जिले के पास हमारे 5 किलोमीटर दूर में बहेरा में एक डंप स्वीकृत करवाया गया है, वहाँ पर रेत डंप करके रखी जा रही है। और रश्मित मल्होत्रा द्वारा रेत को मनमाने दामों में बेचा जा रहा है, यह कहीं ना कहीं जिले के लिए हितकारी नहीं है। उक्त संबंध में आज हम सब उन्होंने पत्रकार बंधुओं के साथ बैठकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है और शासन से, जिला प्रशासन से और प्रदेश प्रशासन से यह मांग कर रहा हूँ कि रश्मित मल्होत्रा और उनके द्वारा जो संचालित खदानें हैं उनकी जांच की जाए और बहेरा में जो डंप है इसकी पूरी जांच की जाए और यह बात सामने आए कि सारी चीज़ें उचित हैं। यदि उचित है तो ठीक है, और यदि इनमें थोड़ी बहुत भी अनियमितता पाई जाएगी तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी गांधीवादी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो गांधीवादी आंदोलन की, और यदि उग्र आंदोलन की आवश्यकता होगी तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। पन्ना जिले के लिए जो भी लड़ाई, हितकारी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सदैव तत्पर तैयार रहेंगे। जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ी हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जहाँ तक प्रयास रहेगा हम लोग, अभी तो मैं हम लोगों ने